सो हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है प्यारे और स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर और आज की इस नए वीडियो पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने यूट्यूब चैनल पर एज रिस्ट्रिक्टेड वीडियो को अपलोड करना चाहिए या नहीं, और अगर करना चाहिए तो इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, इसके बारे में आज मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, अगर आप भी हैं एक यूट्यूबर और आपके पास एज रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट है, एज रिस्ट्रिक्टेड वीडियो है, और आप सोच रहे हैं कि इस वीडियो को चैनल पर अपलोड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अगर आपके पास एज रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट है, एज रिस्ट्रिक्टेड वीडियो है, तो आप उस वीडियो को बिना प्रॉब्लम का अपने यूट्यूब चैनल पर उसको अपलोड कर सकते हैं। उससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। उस वीडियो से आपको क्या बेनिफिट होगा और क्या नहीं होगा, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आप अपने चैनल पर एज रिस्ट्रिक्टेड वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, तब आपको बेनिफिट ये होगा कि जो एज रिस्ट्रिक्टेड वीडियो होगा उसका वॉच टाइम काउंट होगा आपके चैनल के लिए, और उस एज रिस्ट्रिक्टेड वीडियो से आपको यह बेनिफिट नहीं मिलेगा कि आप उस एज रिस्ट्रिक्टेड वीडियो से अर्निंग नहीं कर सकेंगे अगर आपका मोनेटाइजेशन इनेबल हो चुका है तो। क्योंकि दोस्तों, एज रिस्ट्रिक्टेड वीडियो से कोई भी अर्निंग नहीं कर सकता है, तो आप भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपका एज रिस्ट्रिक्टेड वीडियो है और आपका मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं हुआ है, तब आप उस वीडियो से अपना वॉच टाइम को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि मैं एक सॉन्ग अपलोड किया था, वो एज रिस्ट्रिक्टेड हो गया है और उसी से मेरा पूरा वॉच टाइम कम्प्लीट हुआ है। तो दोस्तों, आपका भी वॉच टाइम कम्प्लीट होगा एज रिस्ट्रिक्टेड वीडियो से। तो उम्मीद है दोस्तों, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।